फोकस काफ़ी बढ़िया से ये ले रहा है, फोकस ज़्यादा हंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें डुअल ऑटो फोकस दिया गया है। मैं काफ़ी शेक करने की कोशिश कर रहा हूँ इस DSLR को, काफ़ी बढ़िया से ये फोकस ले रहा है। हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस DSLR की अनबॉक्सिंग। एक्चुअली गाइस, पिछले काफ़ी दिनों से मुझे आप सभी के कमेंट्स मिल रहे थे जिसमें आप सब लोग कह रहे थे कि भैया मैं एक कम बजट में बढ़िया सा DSLR लेकर आओ जिसकी मदद से आप बढ़िया सी यूट्यूब वीडियोस बना पाए। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे कैनन के इस DSLR की। इसका मॉडल नंबर है कैनन EOS 200D मार्क 2। तो इस DSLR को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है लगभग 40-45 हज़ार रुपये में। तो अगर आप भी कैनन के इस DSLR को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं इस DSLR का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस DSLR को परचेज़ कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम कैनन के इस EOS 200D मार्क 2 DSLR की अनबॉक्सिंग करते हैं शुरू। तो ये है कैनन का EOS 200D मार्क 2 DSLR। तो कैनन के इस DSLR की अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स पर क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 18-55 के सिंगल लेंस के साथ आता है और यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है। तो कैनन का ये EOS 200D मार्क 2 DSLR आता है 24.1 मेगापिक्सल CMOS सेंसर के साथ और यहाँ पर आप इसकी ISO वैल्यू देख सकते हैं। While शूटिंग फोटोज इस DSLR में आपको मैक्सिमम 25,600 का ISO मिलता है और वीडियो शूटिंग में इस DSLR में आपको मैक्सिमम 12,800 का ISO मिलता है। और इस DSLR का की फीचर है डुअल ऑटो फोकस। जी हाँ गाइस, इस DSLR में आपको डुअल ऑटो फोकस मिलता है जिस वजह से ये बार बार फोकस हंट नहीं करता है और इस DSLR से आप 4K शूटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी LCD आप 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हैं और इस DSLR में Wi-Fi, ब्लूटूथ, NFC सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस DSLR की MRP देख सकते हैं, इसकी MRP है लगभग 53,000 रुपये। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है लगभग 40-45 हज़ार रुपये में। तो अगर आप भी इस DSLR को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इस DSLR का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस DSLR को परचेज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये है इसका यूज़र मैनुअल और ये है इसका वारंटी कार्ड। ये है इस DSLR का स्ट्रैप। और ये है बैटरी चार्जर। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है LCE17E। और यहाँ पर आप इसके इनपुट और आउटपुट यूनिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह है चार्जिंग केबल। और यह है 18-55 का लेंस। तो ये लेंस हमें इस DSLR के साथ ही मिलता है, 18-55 mm का ये लेंस है। और इसके अंदर है हमारा DSLR। तो ये है कैनन का EOS 200D मार्क 2 DSLR और ये है इस DSLR की बैटरी। तो इसमें हमें 1040 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। तो इस DSLR के साथ हमें ये सभी एक्सेसरीज मिल जाती है। तो चलिए अब हम इस DSLR में कर लेते हैं इंसर्ट इस बैटरी को। तो इस DSLR के नीचे यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसकी बैटरी को लगा लेना है इस DSLR में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैटरी स्लॉट के जस्ट नीचे ही यहाँ पर इसका SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। तो इस DSLR के साथ हमें कोई भी SD कार्ड नहीं मिला है, लेकिन हमने पहले से ही अलग से एक SD कार्ड परचेज करके रखा हुआ है। तो इस SD कार्ड को आपको लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर बता रखा है कि किस प्रकार से आपको SD कार्ड को इंसर्ट करना है इस DSLR में। ओके, तो हमने इस DSLR में बैटरी और SD कार्ड दोनों ही लगा लिया है।
तो अभी हम फिलहाल के लिए DSLR के इन सभी एक्सेसरीज़ को साइड में कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस DSLR का फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं इस DSLR के ऑन ऑफ लीवर के साथ। ये है इस DSLR का ऑन ऑफ लीवर और इस DSLR में आपको काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं। ये है इसका मोड डायल, इसको सिंपली आप रोटेट करके चूज़ कर सकते हैं कौन से मोड में आपको शूटिंग करना है। तो अगर आपको DSLR की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप ऑटो मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका ISO और DISP बटन दिया गया है। और ये है इस DSLR का मेन डायल और ये है शटर बटन इस DSLR का। और यहाँ पर दिया गया है इसका हॉट शू, आप चाहे तो यहाँ पर इसका एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। और इसके यहाँ पर दिया गया है फ्लैश और यहाँ पर दिया गया है इसका स्पीकर और ये है इसका स्ट्रैप माउंट और ये है इसका व्यू फाइंडर और ये है डायोप्टरिक एडजस्टमेंट नॉब। तो इस नॉब की मदद से आप इस व्यू फाइंडर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको इस नॉब को हल्का सा रोटेट करना होगा, रोटेट करके आप इसके व्यू फाइंडर को आप एडजस्ट कर पाएंगे। और ये है इस DSLR का लाइव व्यू शूटिंग बटन और यहाँ पर इसका मेन्यू और इन्फो बटन दिया गया है। और इस DSLR में आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर HD आउटपुट और डाटा ट्रांसफ़र के लिए माइक्रो USB स्लॉट दिया गया है। और यहाँ पर सेंटर में दिया गया है इसका क्विक कंट्रोल बटन और यह है इसका क्रॉस की। और इस बटन की मदद से आप एक्सपोजर और अपर्चर दोनों को ही आप एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर दिया गया है इसका डिलीट बटन और यह है इसका प्लेबैक बटन। और इधर दिया गया है इसका एक्सिस लैम्प, जब आप इसको ऑन करेंगे आप देख सकते हैं ये एक्सिस लैम्प यहाँ पे ब्लिंक कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पर नीचे आपको ट्राइपॉड माउंट भी दे रखा है। और इस DSLR के सामने दिया गया है लेंस रिलीज बटन और इस कैप को आप ओपन करके देख सकते हैं इसका लेंस। इसके अंदर आप देख सकते हैं मिरर दिया गया है अंदर। और इस DSLR में आपको 3 inches की डिस्प्ले भी मिल जाती है। इस डिस्प्ले को आप 180 degree तक रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीन आप रोटेट कर सकते हैं, जिस वजह से व्लॉगिंग के लिए ये DSLR बहुत ही बढ़िया है। तो इसकी रोटेटिंग स्क्रीन के कारण इस DSLR से रिकॉर्डिंग करते समय आप देख पाएंगे कि आप फोकस में है भी कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनन की ब्रांडिंग और ये है EOS 200D Mark II मॉडल। और इस DSLR में आपको DIGIC 7 का प्रोसेसर मिल जाता है। गाइस ये प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये प्रोसेसर आपको हाई एंड DSLR में मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस DSLR को कर लेते हैं ऑन। तो इस DSLR को ऑन करने के लिए आपको सिंपली इस लीवर को हल्का सा ट्विस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑफ ऑन और वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो इसकी डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया है कि भैया पहले लेंस करो अटैच, उसके बाद ही यहाँ पर वीडियो शूटिंग हो पाएगी। तो चलिए हम इसके लेंस को कर लेते हैं इस DSLR के साथ अटैच। तो ये एक 18-55 mm का ये लेंस है। तो ये लेंस आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक मार्क देख सकते हैं, ये स्क्वायर का मार्क है। और इसी प्रकार से एक मार्क इस DSLR की बॉडी में भी दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्वायर का वाइट मार्क एक इधर भी दिया गया है। तो सिंपली इन मार्क्स को मैच करके इस लेंस को आपको लगा लेना है इस DSLR की बॉडी में। जब ये प्रॉपरली लग जाएगा आप एक क्लिक साउंड सुन पाएंगे। ये है इसका लेंस कैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लेंस पर यहाँ पे लिखा है ये एक EFS लेंस है 18-55 mm का। और इसका अपर्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5.6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेंस का अपर्चर काफ़ी हाई है 4-5.6। तो अगर आप अलग से लेंस परचेज कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अपर्चर जितना ज़्यादा होगा लो लाइटिंग में आप उतनी ही अच्छी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। अपर्चर जितना ही कम होगा लो लाइटिंग में आप उतनी बढ़िया आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाएंगे। तो इसका अपर्चर आप देख सकते हैं काफ़ी हाई है 4-5.6।
तो ये लेंस हमें इस DSLR के बॉडी के साथ ही मिला है। अगर आप अलग से लेंस परचेज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आप जो भी लेंस परचेज करें, मेक श्योर उसका अपर्चर कम होना चाहिए, तभी आप लो लाइटिंग में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बढ़िया से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस DSLR को कर लेते हैं ऑन। तो सिंपली इस लीवर को हम हल्का सा करेंगे ट्विस्ट, तो ये हो गया है ऑन। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लेंस में ही यहाँ पर ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का भी यहाँ पर बटन दिया गया है। अगर आप ऑटो फोकस में यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको हल्का सा ड्रैग कर लेना है इस तरफ, और मैनुअल फोकस में अगर आपको यूज़ करना है इस DSLR को, तो ये जो बटन है इस बटन को आपको सिंपली ड्रैग कर लेना है इस तरफ, ठीक है। तो अगर DSLR के बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि DSLR कैसे यूज़ करना होता है, तो आई विल सजेस्ट यू कि भैया ऑटो फोकस में आप इसको करो यूज़। और इस DSLR में आप स्टेबलाइजर को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस DSLR के कुछ सैम्पल शॉट्स दिखा देता हूँ। तो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आप इस DSLR से ही देख रहे हैं। आप देख सकते हैं फोकस काफ़ी बढ़िया से ये ले रहा है, फोकस ज़्यादा हंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें डुअल ऑटो फोकस दिया गया है। मैं काफ़ी शेक करने की कोशिश कर रहा हूँ इस DSLR को, काफ़ी बढ़िया से ये फोकस ले रहा है। तो अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हैं वो आप इस DSLR की ही सुन रहे हैं, मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन अभी अटैच नहीं कर रखा है। तो अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये ऑटो मोड में शूट हो रहा है, मैनुअल मोड अभी तक मैंने इसमें नहीं लगाया है, ऑटो मोड में ये शूट हो रहा है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार ये DSLR। तो अभी मैं आपको इस DSLR से कुछ फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इस DSLR से फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए सिंपली आपको इस शटर बटन को दबाना है। आप इसको हाफ प्रेस करेंगे तो ये फोकस लेगा, फुल प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो क्लिक करेगा। सो लेट मी क्लिक फ्यू फोटोज़। तो फोटोज़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फ़ोटो क्लिक करी है इस DSLR ने। तो गाइस अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को मैंने इसी DSLR से रिकॉर्ड किया है, कैनन ईओएस 200D मार्क टू DSLR से। तो आई गेस अब आप सबको पता चल गया होगा कि व्लॉगिंग के लिए ये DSLR कैसा है। तो अभी मैंने इस DSLR के साथ बोया के एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट कर रखा है। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस DSLR में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और NFC तीनों की ही कनेक्टिविटी मिल जाती है, और इस DSLR को आप रिमोटली भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन का नाम है कैमरा कनेक्ट। तो सिंपली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको अपने मोबाइल फ़ोन को और इस DSLR को दोनों को ही आपस में कर लेना है पेयर, उसके बाद आप रिमोटली ही इस DSLR को यूज़ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो गाइस अगर आप भी इस DSLR को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इस DSLR का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। तो गाइस बहुत ही कमाल का है ये DSLR। इस DSLR में आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको हाई एंड DSLR के फीचर्स आपको इस DSLR में मिल जाते हैं, और इस DSLR को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये में। तो अगर आप भी इस DSLR को परचेज़ करना चाहते हैं आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यार अगर आपका बजट कम है और कम बजट में आप एक DSLR परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया DSLR हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप YouTube वीडियोस बनाने के लिए एक DSLR परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया DSLR है। बहुत ही कम प्राइस में आपको हाई एंड DSLR के फीचर्स आपको इस DSLR में मिल जाते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो मैं इसी DSLR से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी मैंने इस DSLR में बोया का एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर रखा है। तो अभी इस रूम में मैंने बस एक 100 वॉट का बल्ब जला रखा है और कुछ मैंने लाइटिंग नहीं कर रखी है, सिर्फ एक 100 वॉट का बल्ब जला रखा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट वीडियो आ रही है, तो लो लाइटिंग में भी काफ़ी बढ़िया ये DSLR काम करता है। तो आई होप इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इस DSLR में आपको कैसी वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी मिलने वाली है।
तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को करना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज की इस वीडियो को करना शेयर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।